Hello, my dear students. Let's continue our discussion on the topic Nazism and the Rise of Hitler. This is a part 2 video for class 9th history. Myself, Gaurav Tomar. We will discuss few new topics today. Though first of all, we will discuss about the Hitler's rise to power. The crisis in the economy that we have discussed earlier about the crisis of 1923 in part 1 video and the crisis of 1929, the Great Depression. This crisis in the economy, polity and society formed the background to Hitler's rise to power. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed that organization as National Socialist German Workers' Party. ठीक है, तो जो जर्मन वर्कर्स पार्टी उसने ज्वाइन की थी 1919 में, उसको बाद में उसने रीनेम कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। वन मार्क में क्वेश्चन आपका आ जाता है। दिस पार्टी लेटर ऑन केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं राइज ऑफ नाजिज्म। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया। बावरिया वॉज बेसिकली अ स्टेट और अ प्लेस इन जर्मनी। ही मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर, बट ही फेल्ड। He was arrested and tried for treason. Treason मतलब देशद्रोह, and later he was released. In 1928, during the elections, Nazi party got no more than 2.6% votes in Reichstag. We have discussed that Reichstag was the German parliament. तो देखिए 1928 में जो इलेक्शन में जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी ने जो पार्टिसिपेट किया था इलेक्शंस में, तो they were just able to secure 2.6% of votes. तो बहुत ही कम ये था परसेंटेज था पार्टी के अंदर। देन ही एक्चुअली स्टार्टेड दैट प्रोपेगेंडा ऑफ नाजिज्म, एंड देन ही गेव द आइडिया दैट आई विल अंडू द ट्रीटी ऑफ यू नो वर्साय एंड आई विल गिव यू द एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीजें उसने जब स्टार्ट करनी शुरू की, और उसके बाद जैसा बताया नाजी प्रोपेगेंडा, ही स्टार्टेड दिस नाजी प्रोपेगेंडा स्टेड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड आफ्टर 1928 व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1932, The Nazi party became the largest party with 37% of votes. अब आगे बढ़ते हैं। These are also the, you can say, the reasons why Hitler came into the power, why he became popular. First one was, he was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for youth. क्योंकि ये क्या था ना कि इस टाइम पे ये प्रॉब्लम चल रही थी, हम पिछली पार्ट में पढ़ चुके हैं कि people were not happy with the Treaty of Versailles. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने अब उन्हीं चीजों को छेड़ना, टच करना शुरू किया जिससे लोग परेशान थे। There was because of economic crisis of 1923 and because of the great economic depression of 1929, there was a problem of unemployment. तो उसने लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं आपको क्या है, employment दूंगा। He promised to weed out all foreign influence. Foreign influence हम बताया कि Rhineland जो था उस पे जो है allied powers का control था, और 30% US colony जो है Treaty of Versailles के अंदर जो है जर्मनी से छीन ली गई थी। तो उसने कहा कि जितना भी foreign influence जर्मनी के अंदर है, इन सबको भी मैं हटा दूंगा, निकाल दूंगा यहाँ से। He understood the significance of ritual and spectacles in mass mobilization. मतलब mass mobilization होता है कि जब आप बहुत सारी जनता को लेके एक साथ कुछ कोई रिचुअल जो है परफॉर्म करते हो। इसका एग्जांपल हमारे पास है, नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डिमोंस्ट्रेट दिस सपोर्ट फॉर हिटलर एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर वो रैलीज होती हैं, जिस रैलीज में बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग है पार्टिसिपेट करते हैं, तो ह्यूमन टेंडेंसी है, एक रैली में 10 आदमी है, एक रैली में 10,000 आदमी है, या एक रैली में मान लिया 100 आदमी है, एक में 10,000 आदमी है, तो आदमी क्या करता है, ज्यादातर उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उनकी बात सुनने की कोशिश करता है जहां पर हमारे पास ज्यादा मात्रा में लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यू नो मास मोबिलाइजेशन। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। मसीहा क्या है? अ सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, कि लोगों को उनके दर्द से, उसकी परेशानियों से मुक्त करने के लिए कोई आदमी आया। तो वो नाजी प्रोपेगेंडा ने हिटलर को ऐसे मसीहा के रूप में प्रेजेंट किया लोगों के सामने। तो जो पिछली स्लाइड में हमने देखा और जो यहाँ हमने डिस्कस किया स्लाइड में अंदर, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हाउ एंड व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर 1930 एंड व्हाट वर द रीजन फॉर द हिटलर राइज टू द पावर, तो आप ये दोनों स्लाइड उसमें आंसर्स में लिखेंगे अपनी।
आगे हम डिस्कस करते हैं अभी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी मतलब ये है कि जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से वीमर रिपब्लिक जो एस्टेब्लिश किया गया था दैट वाज अ डेमोक्रेटिक सेटअप। अब यहाँ पर हमको डिस्कस करना है, 5 मार्क में क्वेश्चन आता है द इवेंट्स विच लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन जर्मनी। तो आपको उसमें बताना है कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस थे जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी थी जर्मनी से खत्म हो गई थी। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हाइडनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप। चांसलरशिप क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है तो वहाँ पे चांसलर होता है, तो प्रेसिडेंट हाइडनबर्ग ऑफर द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स टू हिटलर। हैविंग एक्वायरिंग पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स। तो जब उसके पास चांसलरशिप आ गई, जब उसके पास पावर आ गई, तब उसने प्रोग्राम शुरू किया अपना जो है स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक रूल की पूरी तरह खत्म करने के लिए। इसी दौरान अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रुअरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। और उसके बाद ही केम अप विद अ फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 विच एक्चुअली इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन ग्रांटेड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज। उसके आर्क एनिमीज कौन थे? कम्युनिस्ट, मोस्ट ऑफ हुम were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. Concentration camps क्या थे? Concentration camps वो जगह थी, जब हम आगे भी इसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, कि जो हिटलर ने मास किलिंग का प्रोग्राम शुरू किया था, बहुत ही बड़े स्केल पर लोगों को मारना शुरू किया था, तो उससे पहले से गैस चैम्बर में भी लेके उसने लोगों को मारना शुरू किया था, तो उससे पहले जितने भी लोगों को मारने के लिए लेके जाया करता था डिजायरेबल जो अनडिजायरेबल में डिवाइड किया था, तो दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर की। तो जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे, कम्युनिस्ट वर अनडिजायरेबल, तो उनको पहले कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाकर रखा जाता था, फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाद उन लोगों को गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑन 3 मार्च 1933, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर, द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इस हिस्ट्री के अंदर? दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो 1933 3 मार्च को इनेबलिंग एक्ट पास किया जाता है, और वो इनेबलिंग एक्ट जो है वो जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप को एस्टेब्लिश कर देता है। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलियट्स। जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो ग्रुप था, ट्रेड यूनियन वगैरह, विच वर बेसिकली रिलेटेड टू नाजी पार्टी, ओनली दे वर अलाउड इन जर्मनी। उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज या ट्रेड यूनियन थी, उन सबको बैन कर दिया गया था और इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। तो ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि इनेबलिंग एक्ट पास किया गया था और डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई थी वहां पर, तो ये सारी जो हम इसके बाद पढ़ रहे हैं, तो ये उसी का एक क्रम था, उसी के अंदर एक प्रोसेस का एक पार्ट था कि उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था इकोनॉमी पर, मीडिया पर, आर्मी पर और जुडिशरी पर। इसके अलावा स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजी वॉन्टेड। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसए और द यू नो स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स, these included the Gestapo, the protection squad, इसको SS बोला जाता था, criminal police and the security services। तो ये तो पहले से established थी, इनके अलावा भी और बहुत सारी जो है special surveillance और security forces जो है वो create की गई थी, वो establish की गई थी लोगों पर अपना control जमाने के लिए, उन पर अपना control बनाने के लिए। अभी इस दौरान हम पढ़ेंगे reconstruction। रिकंस्ट्रक्शन होता है किसी चीज को दोबारा बनाना। अभी जो है इकोनॉमिकली जो है बहुत वीक था, 1929 ट्रीटी ऑफ वर्सायल, इनकी वजह से इकोनॉमिकली जर्मनी वाज वेरी वीक। तो अब क्या गया, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू इकोनॉमिस्ट हाल्मर सांच। हाल्मर सांच कौन था? हाल्मर सांच वॉज अ जर्मन इकोनॉमिस्ट। तो हाल्मर सांच हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। तो जो ये स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चला गया था, इसमें दो चीजों पे बहुत फोकस किया था, एक तो सुपर हाईवेज डेवलप करने पर और दूसरा पीपल्स कार फॉक्स वैगन। ये हम सब जानते हैं कि फॉक्स वैगन एक जर्मन की जो है बहुत ही फेमस कार ब्रांड है, तो ये उसी दौरान स्टार्ट किया गया था। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन 1933, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936, जैसा उसने लोगों से वादा किया था
कि जो है ट्रीटी ऑफ वर्साय के अंदर जो भी इनजस्टिस हुआ उसको अंडू करेगा, फॉरेन जो भी इन्फ्लुएंस कंट्री के अंदर है उसको भी खत्म करना है, एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। देखिए बेटा, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये रेसिस्ट नेशनलिज्म का एग्जाम्पल है कि एक ही रेस के आदमी होंगे, एक ही एम्पायर जो है पूरे वर्ल्ड में होगा, दैट इज जर्मन एम्पायर, और एक ही लीडर होगा, दैट इज हिटलर। तो ये इस स्लोगन के अंदर ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया इन जर्मनी इन 1938। साच हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट। रीआर्मामेंट क्या होता है? रीआर्मामेंट की प्रोसेस होती है जब आप आर्मी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हो, ठीक है, जब आर्मी और रिक्रूटमेंट आप बढ़ा देते हो। ये भी अगर आपको याद होता ट्रीटी ऑफ वर्सोवा के अंदर ये था कि उसकी आर्मी 1,00,000 तक जो है वो सीमित कर दी गई थी, लेकिन अब हिटलर ने कहा कि क्योंकि वो क्या है अपने एम्पायर को बढ़ाना चाह रहा है, उसने हमने देखा कि 1938 में ऑस्ट्रिया को भी उसने अपने अंडर कर लिया और लीग ऑफ नेशन से बाहर गया, तो उसकी प्लानिंग ये थी कि उसको अटैक करना है, क्योंकि वो बिलीव करता था कि अपने देश को अगर डेवलप करना है तो इकोनॉमिक क्राइसिस से अगर निकलना है, जो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, तो हमें एक्सपेंशन के थ्रू दूसरे देशों की टेरिटरी को एक्वायर करना होगा। अगर हम उनको एक्वायर कर लेंगे, उन पर कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारे पास उनके रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो रीआर्मामेंट के अगेंस्ट वो रीआर्मामेंट करना चाहता था, लेकिन हाजमा साच ने बोला कि भैया हमारे पास जो अभी इतना पैसा नहीं है कि हम आर्मी पे रीआर्मामेंट पे लगा सके। बट हिटलर और उसके बाद जो डिसएग्रीमेंट था साच के बीच में, तो उसकी वजह से फिर साच को जो है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम से हटा दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुई। अभी हमने देखा कि हिटलर पुल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन एंड देन ही एक्वायर्ड ऑस्ट्रिया अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। इसी प्रोसेस में आगे इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। जब जर्मनी ने 1939 के अंदर पोलैंड पर अटैक किया, देन दिस एक्चुअली स्टार्टेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है कि हाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, तो हमारा जवाब होगा कि सितंबर 1939 व्हेन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। इन सितंबर 1940 ये इसी का प्रोसेस है जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है। देन अ ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान। ट्राइपार्टाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। तो जो पैक्ट था ये तीन देशों के अंदर साइन किया गया था, जर्मनी इटली एंड जापान। इन तीन कंट्री को ही हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर के जो ग्रुप है, जैसे वर्ल्ड वॉर है हम जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी हमने देखा कि दो ग्रुप थे, एक सेंट्रल था एक अलाइड पावर्स थी। तो यहाँ पर जो जर्मनी इटली और जापान का जो ग्रुप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसको बोला गया एक्सिस पावर, और दूसरा ग्रुप जो था वो हमारा सेम नाम से था, दैट वॉज अलाइड पावर्स। तो जो एक्सिस पावर्स थी हमारी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके अंदर थे जर्मनी इटली और जापान। देन हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941 इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर। ये गलती थी उसकी, क्यों? एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। की उसके दोनों जो फ्रंट थे, दोनों जो बॉर्डर थे, वो उसने अलग अलग कंट्रीज के लिए ओपन छोड़ दिए। अब क्या है कि उसको दोनों जगह अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ेगा अपने आप को सिक्योर करने के लिए, जो वो नहीं कर पाया लेटर ऑन। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद। तो जैसे हमने बताया ये हिस्टोरिकल ब्लंडर था उसका, तो जो सोवियत आर्मी थी उसने बड़ी आसानी से जर्मनी को स्टालिनग्राद में हरा दिया। अब यहां पे हम एक चीज पढ़ लेते हैं यूएसए के बारे में। मीनवाइल द यूएसए हैज रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। जो यूएसए था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज कॉज्ड। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक क्राइसिस यूएसए को फेस करना पड़ा था, वो दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बनकर उनको दोबारा से फेस करना नहीं चाहता था। बट यूएसए जो है अपने आप को बहुत समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अलग नहीं रख पाया। इसका कारण ये था कि जापान ने यूएस का एक आर्मी बेस था पर्ल हार्बर, इसके ऊपर एक बड़ी फेमस मूवी बनी हुई है पर्ल हार्बर के नाम से, मैं सजेस्ट करूंगा आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो जापान ने क्या हुआ कि यूएस के बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जबकि यूएस वाज नॉट द पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसकी वजह से जब जापान ने यूएस के बेस पर्ल हार्बर पर अटैक किया, तो यूएस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्री करनी पड़ी। इट रिजल्टेड इज बेसिकली इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। सो द वर्ल्ड वॉर
II ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan. ठीक है, तो US की एंट्री के तुरंत बाद उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब अटैक किया और उसके साथ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी खत्म हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज पार्ट 3। अब आपको ये असाइनमेंट की क्वेश्चंस दिए गए हैं, मार्क्स सामने लिखे हैं, तो इनको देख के वर्ड लिमिट का ध्यान रख के आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम जस्ट फील फ्री टू आस्क, आई एम जस्ट अ कॉल और अ मैसेज अवे, यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नेवर स्टॉप लर्निंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।